आजकल कपूर देश के लगभग हर घर में किसी न किसी रूप में काम आता है। इसका विशेष महत्व पूजा पाठ में रहता है। पूजा पाठ में आरती हवन इत्यादि के समय इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। अतः इसकी सबसे अच्छी सेल पूजा पाठ वाले बाजार में ही होती है। इस तरह देश के बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर और पूजा पाठ के बाजारों में इसे बेचा जा सकता है। पूजा पाठ के सामान में अगरबत्ती का भी बहुत उपयोग होता है। अगर आप अगरबत्ती बनाने का व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अपने क्षेत्र के बड़े पूजा स्थलों मंदिरों मेलों के आसपास पूजन की सामग्रियों वाली दुकानों में अपना बनाया गया कपूर का ब्रांड होलसेल के तौर पर बेचा जा सकता है। कपूर के रासायनिक गुणों के कारण इसका इस्तेमाल कई प्रकार के दवाइयों में भी होता है। इस तरह कपूर की मांग पूजा पाठ और कई दवाइयों की दुकानों में बनी रहती है। इसलिए कपूर बनाने का व्यवसाय 12 महीने ही फायदेमंद हो जाता है। आप भी इस व्यवसाय को शुरू करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप कपूर बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथ ही इसमें कितनी लागत लगेगी, कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए कौन सा कच्चा माल लगेगा और इसमें कितने फायदे होंगे और आप कितने महीने की अर्निंग कर सकते हैं, ये भी हम इसके साथ ही जानेंगे। भारतीय संस्कृति में कपूर का धार्मिक महत्व रहा है। कपूर एक क्रिस्टल या ठोस पदार्थ होता है जिसमें एक विशेष तरह की गंध पाई जाती है। यह कॉम्फर लॉरेल नामक पेड़ से पाया जाता है। कॉम्फर का पेड़ मुख्यतः चीन, भारत, मंगोलिया, जापान, ताइवान आदि देशों में पाया जाता है। इसी पेड़ के लकड़ियों से कपूर प्राप्त होता है। यहाँ पर हम कपूर के लघु उद्योग को स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, जिसे समझकर कपूर मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग शुरू किया जा सकता है और महीने की 50 से 60 हज़ार तक की अर्निंग की जा सकती है। कपूर बनाने के लिए केवल एक ही कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और वो कच्ची सामग्री है कामपुर का पाउडर। इसी पाउडर के कपूर मेकिंग मशीन की मदद से टैबलेट बनाए जाते हैं। कपूर का पाउडर आमतौर पर होलसेल मार्केट में मिल जाता है, जहाँ से आप बहुत कम कीमत में कपूर का पाउडर खरीद सकते हैं। इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। ऑनलाइन कपूर पाउडर खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कपूर को बनाने की मशीन पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है। इसमें वह जगह बनाई हुई रहती है जिसमें कपूर पाउडर डाला जाता है और मशीन से कपूर टैबलेट बनकर बाहर आता है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि एक ही मशीन से कई साइज के टैबलेट क्यूब छोटे और बड़े साइज में कपूर बनाया जा सकता है। मशीन में लगा हुआ डाई यह काम अपने आप कर देता है। इस डाई को एडजस्ट करके कपूर को अलग अलग आकार दिया जा सकता है। इस मशीन की खास बात यह है कि यह मशीन आमतौर पर बाजार में बिकने वाले कपूर की साइज़ को देखते हुए उसी आकार का कपूर आसानी से बना देती है। कपूर बनाने की मशीन हार्डवेयर दुकानों में भी मिल जाती है। इसे ऑनलाइन भी परचेस किया जा सकता है। ऑनलाइन मशीन खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। आमतौर पर कपूर पाउडर की कीमत 425 रुपये प्रति किलोग्राम तक रहती है, लेकिन अगर आप होलसेल में एक साथ इसको खरीदते हैं तो यह आपको 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक मिल जाती है। कपूर बनाने की मशीन की कीमत 55,000 रुपये से शुरू होती है। इसके ऊपर भी कई अधिक कीमतों पर बड़ी मशीनें मौजूद है, लेकिन छोटे स्तर पर व्यापार शुरू करने के लिए 55,000 रुपये की मशीन आपके लिए सही है। इस तरह से कपूर बनाने का व्यापार और कच्ची सामग्री की मदद से और मशीन पैकेजिंग को मिलाकर कुल लागत 60 से 70 हज़ार तक हो सकती है और यह बिजनेस आप अपने घर पर ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा जगह की भी कोई ज़रूरत नहीं हो रही थी। कपूर बनाने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि इसे कोई भी नियंत्रित कर सकता है। यह मशीन बाहर की तरफ से एक मोटर से जुड़ी हुई होती है जो हर समय चलती रहती है। इस मशीन में एक ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पर कपूर का पाउडर डालना पड़ता है। कपूर पाउडर डालते ही इसकी मात्रा का ध्यान रखना होता है। उस जगह पर धीरे धीरे कपूर पाउडर डाला जाता है। इसी कपूर पाउडर से टैबलेट बनकर तैयार होती है। जब तक मोटर चलती रहती है कपूर अपने आकार में बनकर निकलता रहता है।
अब कपूर बनकर तैयार होने के बाद कपूर पैकेजिंग को ध्यान में रखना आवश्यक है। बाजार की आवश्यकता के अनुसार इसके पैकेट बनाए जाते हैं। एक छोटे से पैकेट में कम से कम 5 कपूर की टैबलेट डालने होते हैं। ये पैकेट 10 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिकता है। इन छोटे छोटे पैकेट्स को मिलाकर एक बड़ा पैकेट बना दे जो होलसेल में बेचा जाता है। इस तरह से आवश्यक संख्या में छोटे छोटे पैकेट का बाजार में होलसेल और खुरदरा में भी बेचा जा सकता है। कपूर को पैकेट में पैक करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि पैकेजिंग से पहले बने हुए कपूर को एयरटाइट डिब्बे में डालकर रखना जरूरी है, क्योंकि कपूर एक शीघ्र बाष्पनशील पदार्थ है जो धीरे धीरे अपने आप कम होता रहता है। कपूर पूजा पाठ में अक्सर उपयोग होने वाली वस्तु है, इसलिए इसकी डिमांड बाजार में 12 महीने हमेशा ही चलती रहती है। ऐसे में कपूर का व्यवसाय काफ़ी फायदेमंद है। और बात करें इसमें होने वाले फायदे की, तो इसमें एक बार आपका निवेश लगता है, लेकिन बाद में 12 महीने आपको इससे अर्निंग होती रहती है। इसमें कच्चा माल और मशीन के मेंटेनेंस का खर्चा काट कर आपको 50 से 60 हज़ार तक की अर्निंग एक महीने में आराम से हो जाती है। और यदि बड़े स्तर पर शुरू करते हैं तो ये अर्निंग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए अन्य व्यापारों की तरह लोकल अथॉरिटी से लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। कपूर बनाने के व्यवसाय में आप कपूर को एक अपने ब्रांड के नाम से बेचते हैं, इसके लिए व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। उसके साथ ही ट्रेडमार्क लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, MSME इंडस्ट्री आधार रजिस्ट्रेशन इत्यादि करना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार आप कपूर का बिजनेस शुरू कर अपने घर पर ही अर्निंग का अपना खुद का एक स्रोत तैयार कर सकते हैं।